तरावी की नमाज बैठ कर पढ़ना जायज है अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ है या उससे खड़ा होना उसको मुश्किल हो रहा है चाहे वो मर्द हों या औरतें तो फिर उनके लिए बैठ कर तरावी की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है लेकिन बेहतर यह है कि पूरी कोशिश क्या करें कि तरावी को खड़े होकर पढ़ें क्योंकि खड़े होकर पढ़ने में सवाब बहुत ज़्यादा है अगर कोई इंसान बगैर किसी मजबूरी के तरावी को बैठ कर पढ़ता है तो ये मकरव अमल है इसलिए इस अमल से बचना चाहिए उसके अलावा तरावी की नमाज़ में सजदा सहव करना कैसा है अगर तरावी पढ़ रहे हैं और कोई मिस्टेक हो गई औरतें घर में पढ़ रही हों या मर्द हजरात पढ़ रहे हैं अगर इमाम के साथ पढ़ तो फिर तो वो इमाम खुद देखेगा कि कहाँ पर हमें सजदा सैफ करना है कहाँ पे नहीं करना है लेकिन अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं या औरतें पढ़ रही हैं और उसमें कोई गलती हो जाए तो सजदा सैफ कैसे किया जाएगा देखिए सजदा सैफ तीन चीजों से वाजिब आता है पहला तरके वाजिब तक्रारें वाजिब ताखीरे फर्ज यानी तरके वाजिब यानी कि वाजिब के छूट जाने से जो नमाज के अंदर वाजिबात है ना जो नमाज के अंदर की जो वाजिबात और फ़राइज हैं इनमें हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई वाजिब छूट गया है तो सजदा सैफ किया जाएगा इसी तरह से तकरार वाजिब अगर वाजिब को हमने दो मरतबा अदा कर दिया दो मरतबा हमारा वा, हमने वाजिब को अदा कर लिया तो फिर इससे भी हमारे ऊपर सजदा सैफ करना हमारे लिए लाजिम होगा तीसरा है ताखिर फ़र्ज़ फ़र्ज़ के अदा करने में देरी हो जाए जो नमाज के अंदर जो चीज़ें फ़राइज़ हैं ना अगर उसकी उनमें से किसी एक फर्ज को अदा करने में तखीर हो जाएगी देरी हो जाएगी तो भी सजदा सहेफ करना पड़ेगा और सजदा सहेफ करने से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी तरावी में बिला तरतीब कुरान पढ़ना कैसा है अगर आप तरावी में के एक आयत इधर से पढ़ ली एक सूरत उधर से पढ़ ली एक सूरत उधर से पढ़ ली तो इससे आपकी तरावी तो हो जाएगी लेकिन ये इससे तरतीब के खिलाफ है कुरान की तरतीब के ख़िलाफ़ है अगर आप तरतीब के अतबार से पढ़ेंगे चूंकि नमाज का भी मसला है कि जब आप कोई भी नमाज़ पढ़ें तो उसमें जो सूरत बड़ी सूरत और तरतीब के एतबार से पहली सूरत हो वो पहली रकत में पढ़ें और दूसरी रकत में पहले के मुकाबले छोटी सूरत हो और तरतीब के एतबार से बाद वाली सूरत को आप दूसरी रकत में पढ़ें तरावी की नमाज अगर कजा हो जाए तो फिर कब पढ़ें अगर किसी इंसान की तरावी छूट गई है और वो इशा की नमाज के बाद तरावी नहीं पढ़ सका है तो जो तरावी की जो टाइमिंग है ना और तरावी का जो वक्त है कब से कब तक रहता है इशा की नमाज से फारग होने के बाद से लेकर ये फ़ज्र का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तरावी का वक्त रहता है अगर आप उस वक्त में नहीं पढ़ सके और ईशा की नमाज़ आपने पढ़ ली लेकिन तरावी नहीं पढ़ सके तो आप पूरी रात में किसी हिस्से में भी आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं ये तरावी का वक्त है लेकिन अगर तरावी आपने पूरी रात नहीं पढ़ पाए और वक्त निकल गया तो अब इसकी कज़ा नहीं है तरावी की कज़ा नहीं है क्योंकि फ़र्ज़ की कज़ा होती है और तरावी जो है वह सुन्नत है इसलिए आप इसको अगले दिन नहीं पढ़ सकते तरावी की नमाज़ की नीयत कैसे करना है वैसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है लेकिन तरावी की नियत करने के दो तरीके हैं अगर आप ज़ुबानी तौर पर नियत करना चाहते हैं पहला तरीका तो यह है कि आप इकट्ठा बीस रकत तरावी की नियत कर लें कि नियत करता हूँ मैं बीस रकत नमाज तरावी मम शरीफ की तरफ अल्लाह तला के अल्लाह अकबर मर्द हजरात भी और औरतें भी और फिर हर दो 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 रकत पर सलाम फेरते रहें दस सलामों के साथ बीस रकत तरावी कम्प्लीट कर लें और दूसरा तरीका यह है कि आप चाहें तो हर दो रकात पर आप नियत कर सकते हैं कि नियत करता हूं मैं या नियत करती हूं मैं दो रकात नमाज तरावी मम्र काबि शरीफ की तरफ बस अल्लाह ताली के लागू पर फिर दो रकात तरावी दो रकात इस तरह से भी आप कर सकते हैं लेकिन असल नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है आपने दिल में इरादा कर लिया हम तरावी पढ़ने जा रहे हैं बस वो नीयत हो गई वही काफ़ी तरावी की चार रकात के बाद बैठ कर जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ याद ना हो तो फिर क्या करें बहुत सारे लोगों को एक दुआ जो तरावी के चार रकत कंप्लीट होने के बाद जब बैठ के पढ़ी जाती है सुबहानजिलमल्कि वलमलकूत सुबहानजिल्ज़ती वल आज़मति वलबती व़ुदरति बल किबरियाई वलजबरूत रब्बुल नाम व सब्बूनस रबना वरबुलमलायर्रोह अल्लाजर नामार या मुजेरू या मुजीरू या मुजीरू ये अगर किसी को दुआ याद नहीं है तो असल चीज़ है सुन्नत है थोड़ी देर बैठना ठीक है वक्फा करना रुकना अगर आपको यह दुआ याद नहीं है तो फिर आप दरुद पाक पढ़ लें या जो भी तस्वीर आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं जो भी दुआ आपको याद हो वो भी पढ़ सकते हैं कुछ नहीं पढ़ना चाह रहे तो भी कोई बात नहीं लेकिन बेहतर है कि कुछ ना कुछ उतनी देर में पढ़ लिया जाए और अगर ये तस्वीर याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है और अगर नहीं याद हो रही है तो कुछ भी यानी दुरुद पाक या कोई भी दुआ आप पढ़ सकते औरतें रमजान में अपनी कज़ा नमाजें पूरी करें या तरावी पढ़ें दोनों करें जो उनकी कज़ा नमाजें हो गई जब जब टाइम मिले वो कज़ा नमाजें

तो फिर आप इमाम के साथ शरीक हो जाएं और उसके बाद जब इमाम पूरी नमाज पढ़ा दे उसके बाद आप जब तरावी पढ़ चुके हैं उसके बाद आपकी जितनी भी रखते हैं तरावी छूटी हैं दो या चार या छः तो आप फिर उसको बाद में पढ़ सकते हैं बाद में कम्प्लीट दुकानदारी की वजह से तरावी को छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यह सुनत मौदा है वो आपका दुनिया का फ़ायदा है दुकानदारी और ये इसमें दीन का फ़ायदा है इसमें क़यामत के दिन बहुत बड़ा अजर इनाम इस पर मिलेगा तरावी के एक सजदे पर डेढ़ हज़ार ने किया अल्लाह तता फरमाता है उसी एक सजदे पर जन्नत में एक ऐसा महल तैयार करता है जिसके साठ हज़ार सोने और चांदी के दरवाजे हैं तो फिर आप अगर दुकानदारी करेंगे तो ऐसा एक घर भी आप नहीं बना पाएंगे ना और ये अल्लाह तबारुक ताली इतने ज़्यादा अजर इनाम अता फ़रमा रहा है तो ये हमारे समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे दुनिया में अभी जाहिर नहीं है लेकिन जब आखिर फ़रत में अल्लाह ताला फरमाएगा तो लोग देख कर हैरान हो जाएंगे और हमें तो यकीन है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इसलिए यकीन रखते हुए ख़ुसूसी तौर पर मुकम्मल यकीन के साथ और बड़े ही इख़लास के साथ हम लोगों को तरावी की नमाज़ पढ़ना चाहिए